शनिवार को विदिशा शहर में महिला मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री सुखप्रीत सिंह कौर का स्वागत किया गया। राष्ट्रीय महामंत्री बनने के बाद उनका यह पहला दौरा था। उनका कहना है कि वे इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित किया। सुखप्रीत सिंह कौर पूर्व विधायक श्री गुरुचरण सिंह की बेटी है। उनका कहना है कि कोरोना काल में कई राज्यों में नुकसान हुआ है। निचले स्तर पर फीडबैक लेकर विशेष तक लोगों की समस्याओं को पहुंचाएंगे। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर एक बड़ी कमान सौंपी है, अब राष्ट्र पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आपके क्या विचार हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसलिए यहाँ पे अगर हम ये कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति ही सर्वोपरि है तो ऐसा नहीं होता। सारे लोग मिलके कार्य करते हैं, सारी टीम जो बनी है। मैं आज सभी महिला मोर्चा की जो हमारी टीम बनी है आपको बताती हूँ कि उनके साथ मिलकर टीम वर्क करके, और हम आने वाले समय में काफ़ी सारे चुनाव हैं, आपको मालूम है मध्य प्रदेश में भी कुछ चुनाव हैं, बाकी जो स्टेट्स के इलेक्शंस हैं वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, प्रमुख जो राज्य हैं उनमें चुनाव हैं। तो हमारी जिम्मेदारी इसलिए बहुत बढ़ जाती है कि जो ये अभी नई नियुक्तियां हुई हैं, हम लोगों को इस बार हमारा मोटो ये है कि वर्क हार्ड एंड स्मार्ट। हमको स्मार्टली काम भी करना है और हार्ड वर्क करना है, और ताकि हमारी भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में जीत कर आ गया है। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आपको अकेले लिया गया है मध्य प्रदेश से, और विपक्ष भी आपका कमजोर नहीं है। अब ऐसे में चुनाव जो है वो करीब हैं, ऐसे में आप कैसे इन सब का सामना करेंगे? मैंने फिर आपको कहा कि हम सब मिलकर, हम भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है, और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें और दूसरे राज्यों की बात करें तो सारे राज्यों में कोरोना काल में कुछ इस प्रकार की जो चुनौतियां हमारे सामने आई हैं उनको हम बहुत जुझारू रूप से हम उस चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का जीवन सरल करने का प्रयास करना, ये हमारा एक तरीके से हमारी मूलभूत विचारधारा है कि यहाँ पर सभी लोगों का जो जीवन हो सरल हो, चाहे वो किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे जन साधारण हो, सभी लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनकी फीडबैक लेकर ऊपर शीर्ष तक पहुंचाना और उसके हिसाब से अगली योजनाएं तैयार करना ताकि लोगों का जीवन सहज और सरल हो, सुखी हो, उसकी हम लोग कामना करते हैं। चूंकि आप महिला हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंपी है, तो पूरे भारत में आप महिलाओं को और कैसे आगे जोड़ेंगे? महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की जितनी केंद्र की स्कीम्स हैं, चाहे राज्यों की स्कीम्स हैं, वो महिलाओं पर आधारित हैं। सबसे अधिक अगर योजनाएं बनी हैं, अगर किसी को आर्थिक रूप से स्वावलंबन के लिए सबसे अधिक अगर चांसेस दिए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को दिए हैं। ऐसे में हमारा ये कार्य है कि उन महिलाओं तक अपनी आवाज़ पहुँचाना, और दूसरी बात है कि महिलाएँ महिलाओं को जल्दी से कन्विंस करती हैं और उन तक बात करती हैं और उनको समझाती है, ये काम है। तो हमारी जो पॉलिसी मेकिंग सेंटर में होगी वही हम राज्यों को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद राज्य मंडलों तक और शक्ति केंद्रों तक हमारी बात को पहुंचाएंगे। इस प्रकार से हम जो एक कनेक्शन है, एक आम जनता, जो साधारण हमारा व्यक्ति नीचे कार्यकर्ता काम कर रहा है वो, और जो शीर्ष का नेतृत्व है, इनमें सब में कनेक्टिविटी है भारतीय जनता पार्टी में, और इस प्रकार से हम जन साधारण के बीच में पहुँच कर उनके साथ हमेशा ही हम उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।